सुने हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस में, हम बात कर रहे हैं आपके बात तो करने वाला आइसोबाइलेटरल टेट्राइड की, हम बात करेंगे आप आइसोबाइलेटरल टेट्राइड, ठीक है। आइसोबाइलेटरल टेट्राइड देखें तो आइसोबाइलेटरल टेट्राइड एज आई टोल्ड कि आइसोबाइलेटरल टेट्राइड बना किसकी वजह से, तो आइसोबाइलेटरल टेट्राइड जो है दैट इज मोस्ट एडवांस टाइप। आइसोबाइलेटरल टेट्राइड क्या है, दिस इज मोस्ट एडवांस टाइप, पहली चीज। तो आइसोबाइलेटरल टेट्राइड इज मोस्ट एडवांस टाइप। इट फॉर्म, तो आइसोबाइलेटरल टेट्राइड कैसे बन रहा है, इट्स फॉर्म ड्यू टू सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। आइसोबाइलेटरल टेट्राइड जो है दिस इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ टेट्राइड, इट्स फॉर्म ड्यू टू सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, यानी हमें इनकी बात करनी है। क्या है सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस उसको ध्यान से समझेंगे। ये देखो आपका, अगर मैं बात कर लूं इसको कि ये आपकी सेल रेविडा, दिस इज अ सेल, ठीक है, इस सेल का न्यूक्लियस रहा, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, मिसिस वन एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस सक्सेसिव, मिसिस वन कैरियोकाइनेसिस वन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। आइसोबाइलेटरल देखो बने, दोनों लेटरली प्रेजेंट है, इक्वल आइसोबाइलेटरल, तो आइसोबाइलेटरल बना। फिर मिसिस टू यानी कैरियोकाइनेसिस टू एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस आल्सो, कैरियोकाइनेसिस साइमल के सक्सेसिवली क्या हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। वन सेकेंड, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल चार है तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड वास्तव में आई आइसोबाइलेटरल टेट्रा, दिस टेट्रास प्रेजेंट इन मोनोकोट्स और एज वी ऑल आर नोइंग कि मोनोकोट्स आर एडवांस वन, सो दैट्स व्हाई आइसोबाइलेटरल टेट्रा बोला जाता, दिस द मोस्ट कॉमन मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ टेट्रा, ठीक। दिस फॉर एडवांस है तो आपको एडवांस डिवीजन हुआ होगा, दिस फॉर्म ड्यू टू मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस दैट इज सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड प्रेजेंट इन मोनोकोट्स गेटिंग अनहर्ड, इनको हमें ध्यान रखना है, बस ये दो किस्म याद रखने, बाकी डिका सेट है, लीनियर है, टी शेप्ड है, स्ट्रक्चर से बस डिफरेंट टाइप्स के डिविजन की वजह से बने हुए हैं। इन केसेस ऑफ एज आई टोल्ड कि इन केसेस ऑफ एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इन केसेस ऑफ एरिस्टोलोकिया एलिगेंस ऑल फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड यू कैन सी, इन केसेस ऑफ एरिस्टोलोकिया एलिगेंस ऑल फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड यू कैन सी गेटिंग अनॉट, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बात समय आती ना, ठीक। तो हमें एक चीज ध्यान रखें तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बड़े आराम से तसल्ली से आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक, उनका समझेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप ये देखो जरा क्या करते हैं, ये जो हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड लिबरेट होने ये फ्री होकर माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे यानी पॉलीग्रीन बनाएंगे, बट समटाइम इन सम केसेस, समटाइम इन सम केसेस एज ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, समटाइम इन सम केसेस दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड दे आर नॉट गोइंग टू फ्री, ये फ्री नहीं होंगे, यानी फ्री होगा माइक्रोस्पोर्स बनाना था, पॉलिन ग्रेन बनाना था, बात क्लियर, लेकिन ये फ्री नहीं हुए, दे रिमेन क्लोज, दे रिमेन टुगेदर, चारों के चारों एक साथ रहे, टेट्राड ही बने रहे, ठीक। एज इन केसेस अगर हम बात कर ले तो एलोडिया एलोडिया है, ड्रोसेरा है, टाइफा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा इन केसेस ऑफ एलोडिया, ठीक, इन केसेस ऑफ एलोडिया, इन केसेस ऑफ ड्रोसेरा, इन केसेस ऑफ टाइफा, अगर मैं इनकी बात कर लूं तो इनमें क्या है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था दे रिमेन क्लोज, ये सेपरेट ही नहीं हुई, एक साथ ही बने रहे, इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, कंपाउंड पॉलिग्रेन, क्या नाम देंगे इसे हम, कंपाउंड पॉलिग्रेन, इसको बोलते हैं कंपाउंड पॉलिग्रेन, ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। तो कंपाउंड पॉलिग्रेन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज कंपाउंड पॉलिग्रेन व्हेन माइक्रोस्पोर टेट्राड दे आर नॉट गोइंग टू फ्री इनटू माइक्रोस्पोर्स ऑफ पॉलिग्रेन, दे रिमेन क्लोज, दे रिमेन्स टुगेदर, एक साथ ही रहेंगे टेट्राड फॉर्म में, से बोलते हैं कंपाउंड पॉलिग्रेन, एज इन केस ऑफ एलोडिया, इन केस ऑफ ड्रोसेरा, इन केस ऑफ टाइफा, तो आपका एलोडिया है, ड्रोसेरा है, टाइफा है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है कंपाउंड पॉलिग्रेन, गेटिंग, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक। इन चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना है, इसके आगे का कष्ट समझे आप। अब क्या हुआ, चलिए इनको रब कर दूं मैं, अब हम नेक्स्ट इनकी टर्म की बात कर रहे हैं, एक टर्म होता है बेटा आपका, उससे नाम दिया जाता है पॉलिनियम, कि क्या नाम दे रहा हूं मैं नाम दे रहा हूं आपको पॉलिनियम, ठीक, इस सब समझेंगे, क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं,
पॉलिनियम टर्म यूज कर ले रहा हूं मैं, पॉलिनियम समझे, इन केसेस ऑफ पॉलिनियम, इसी को बोलते बड़ा मैस्यूली, पॉलिनियम और मैस्यूली। तो पॉलिनियम और मैस्यूली देखें, ये कंडीशन मिल जाएगी आपको एस्केलेपीडियेसी में, किसे मिल जाएगी आपको एस्केलेपीडियेसी फैमिली में, और किसे मिल सकती है आपको ऑर्किडेसी फैमिली में। तो एस्केलेपीडियेसी ऑर्किडेसी फैमिली यू कैन सी दिस पॉलिनियम कंडीशन, व्हाट इज पॉलिनियम कंडीशन उसको ध्यान से समझेंगे। व्हेन पॉलिनियम, हमने कहा देखिए नॉर्मल पॉलिन ग्रेन तो कंबाइन होगा तो कंपाउंड पॉलिन ग्रेन नहीं, व्हेन ऑल द पॉलिन ग्रेन, व्हेन ऑल द पॉलिन ग्रेन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ अ एंथर, व्हेन ऑल द पॉलिन ग्रेन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ अ एंथर दे फ्यूज टुगेदर, सारे के सारे एक साथ फ्यूज हो गए, व्हेन ऑल द पॉलिन ग्रेन इंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ अ एंथर दे फ्यूज टुगेदर, दे ऑल फ्यूज टुगेदर, सारे एक साथ हो गए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलिनियम। क्या बोलेंगे से हम पॉलिनियम, बात समझ आ रही ना, व्हेन ऑल द पॉलिन ग्रेन्स के इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ अ एंथर फ्यूज टुगेदर दैट कंडीशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे से हम पॉलिनियम। गेटिंग अ नॉट, इनके एग्जांपल पूछ सकता है आपसे, एज आई टोल्ड एस्केलेपीडियेसी फैमिली, इन केस ऑफ ऑर्किडेसी फैमिली, इन सब में आपको दिख जाएगा ये पॉलिनियम कंडीशंस और मैसिली कंडीशन। गेटिंग क्लियर, इसके आगे का स्टेप देखो। अब अभी बात हुई कंपाउंड पॉलिनियम, फिर और ज्यादा फ्यूज होगा तो बन गया आपका पॉलिनियम, अब और ज्यादा फ्यूज होने जा रहे हैं, और फ्यूज होंगे तो उस कंडीशन का नाम देने जा रहे हैं हम ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स। क्या बोलते से ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, इसको हटा दी, ठीक है, देखेंगे हम बात करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट के टर्म की, उसे बोलते हैं ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, ध्यान से समझेंगे। क्या टर्म यूज कर रहा हूं मैं टर्म यूज करने जा रहा हूं ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म के लिए। अब ट्रांसलेटर मैकेनिज्म क्या है, पॉलिनियम से आगे का स्टेप है, क्या हुआ, व्हेन ऑल द पॉलिनियम, व्हेन ट्रांसलेटर मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, अब कर दू सुने, हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म की। व्हेन ऑल द पॉलिनियम ऑफ डिफरेंट स्टेमिन, व्हेन ऑल द पॉलिनियम ऑफ डिफरेंट स्टेमिन दे फ्यूज टुगेदर, दे फ्यूज टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डिकेल, क्या टर्म यूज किया मैंने, कॉर्डिकेल, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डिकेल, व्हेन ऑल द पॉलिनियम of different stamen fused together with the help of a thread-like structure caudicle and attached at the sticky base and attached at the sticky base of stigma, that base is called, जो sticky base से नाम दिया था corpusculum, क्या नाम देते हैं corpusculum, and attached at the sticky base of stigma, this is called कॉर्पस्कुलम, ऐसे अटैच हो गए, बात क्लियर ना, इस पर अटैच हो गए, दिस होल स्ट्रक्चर, इतना सा स्ट्रक्चर होता है, इतना सा स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको कंपैरेटिवली बात कर लूं, अब इस डायग्राम को देखो जरा, इस डायग्राम मैंने पेन की टिप के साथ उसको लगाया हुआ, पेन की टिप के साथ पॉलिनिया दिखाया है, सो दैट यू कैन फाइंड कितना छोटा होता है, पेन की टिप के साथ लगा है पॉलिनियम, इतना सा स्ट्रक्चर, सो दैट जो इंसेक्ट है उसे आराम से ले जाए, जो इंसेक्ट है उसको इजीली कैरी कर सके, बात समझ में आ रही है। सो व्हाट आई टोल्ड यू इन केसेस ऑफ आपके ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, ऑल द पॉलिनिया ऑफ डिफरेंट स्टेमिंस, ऑल द पॉलिनिया, और डायग्राम में देखो चलिए ये सिरप कर देता हूं, सुन अब डायग्राम देखिए, अब आप डायग्राम देखिए, ऐसे हमने कहा व्हेन ऑल द, ये डायग्राम में देखो, व्हेन ऑल द पॉलिनिया ऑफ डिफरेंट स्टेमिंस fused together with the help of a thread-like structure corticals attached at sticky base of stigma, sticky base का नाम दिया आपने corpusculum, this whole structure is called आपका translator apparatus which will help in pollination translator mechanism, ठीक, इतना सा झुंझुनी की तरह से हिलता जाता है, insect ले जाएगा इसको, आप diagram में यहाँ देखेंगे, इसको practically diagram में थोड़ा सा समझेंगे किस तरह से बन रहा है, ये रहा आपका stigma स्टाइल ओवरी, माय स्टाइल ओवरी, गेटिंग ऑन, अब मैं इसको अगर देखूं और बेटा मैं इस एक एंथर्स को उनके साथ अटैच करवा रहा हूं, देखो एट द बेस ऑफ स्टिग्मा दूसरे अटैच करवा दूंगी,
एट द बेस ऑफ स्टिग्मा, क्लियर। और ये सारे के सारे क्या हुए आपके, ये हो गए आपके यहां अटैच्ड, ये दूसरे से धागे से बंधे हुए हैं, कॉर्टिकल जिसको आपने नाम दिया। जब ये एंथर मैच्योर हो जाएंगे तो इनका कनेक्शन फिलामेंट से टूट जाएगा, ये टूट गया। अब इंसेक्ट आया यहां पर, कोई एक इंसेक्ट आया, ठीक, एट दैट टाइम ये क्या करेगा आपका, जब मैच्योर हो गई कंडीशन तो यहां से भी टूट जाएगा, यहां से टूटा। अब देखो इसको ले आकर जो उड़ा ले जाएगा, बात क्लियर। और कोई जो दूसरा इसी स्पीसीज का प्लांट है वहां पर जाकर इसके पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे, गेटिंग अनऑर्ड। ये जो कंडीशन इससे नाम दिया जाता है क्या आपका, ट्रांसलेटर एपरेटस हेल्पिंग इन ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। इसका आप डायग्राम देखो, आप देखो दो येलो कलर के एकदम बढ़िया शानदार से लगे लंग्स के डायग्राम सो, ठीक, तो उस तरह का आपको डायग्राम दिख जाएगा इसका। ऐसे डायग्राम देखते हैं अगर हम इसको, जो हमने डायग्राम आपको दिखा रहे हैं वो इस तरह से समझ आ रही है कि नहीं बात, गेटिंग टू ट्रांसलेटर एपरेटस। अब कुछ नई टर्मोलॉजी की बात करते हैं, समझे, इसे रख कर देते हैं, डायग्राम हटा देते हैं, सुने।